ये अरब वाले और पाकिस्तान तुर्की ये क्या बचाएंगे, समझिए ध्यान से। चाइना का इधर का एरिया जो है ये कहलाता है उगर मुसलमानों का, ये एरिया है यहाँ पर उगर मुसलमान रहते हैं, सिंजियांग प्रांत है। यहाँ पर चाइना कहता है कि मुसलमान को कुरान उतना ही पढ़ना है जितना हम बताएंगे। यहाँ महिलाएं अगर कपड़ा पहन लेती हैं पूरा तो उसको 20 सड़क पर उसके कपड़े काट दिए जाते हैं कि घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए। कोई अरब देश आवाज़ नहीं उठा सकता है, वहाँ किसी भी लड़की को उठा के लेके चल जाते हैं। ऑनलाइन किसी को चाहिए ऑनलाइन लेके चल जाओ इन लोग को, जिस तरह से जोमेटो इस सब पे ऑर्डर होता है ना, वैसे यहाँ ये लोग ऑनलाइन उठा के लेके चल जाता है मजदूरों को लड़कियों को। ऐसे कोई नहीं बोल सकता, आज तक कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। यहाँ इस तरह से सरेआम लाठी डंडा से पीटा जाता है। लेकिन ये दोहरी नीति ना हो जाती है कि अगर इजराइल करेगा तो हम आवाज़ उठाएंगे इस आधार पर कि मुस्लिम पर अत्याचार क्यों हो रहा है, और चाइना कहेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये दोहरी नीति है यहाँ पर, चीन का विरोध करना चाहिए। तो देखिए ये अरब के राजा चीन के साथ, ये तुर्की वाला भाई साहब ये देखो ये चीन के साथ है, और ये पाकिस्तान इमरान खान तो सोच रहा है इसका रखेल बन गया, ये क्या बोलेगा यहाँ पर, ये लोग के भरोसे है ये कुछ नहीं कर सकता है। देखिए पूरी दुनिया को अहिंसा सच्चाई और शांति के रास्ते पर चलना सिखाया था दलाई लामा ने, बौद्ध धर्म ने। नतीजा क्या हुआ, 1959 में तिब्बत को ही गंवाना पड़ गया। अहिंसा पे चले थे, देश गायब हो गया। फिलिस्तीन हिंसा पे चला, दूसरे का देश कब्जा कर लिया। दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, और अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो शास्त्र उठाना पड़ेगा। हम खुशनसीब हैं जो ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों में किसी की कमी नहीं है। ओवरऑल भाई फिलिस्तीन को नरम दल का रुख अख्तियार करना चाहिए, और हमास उमास को साइड करके कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। विश्व के आगे कहना चाहिए कि भैया हम 12% पे रहेंगे, लेकिन पूरी गारंटी दे दीजिए पूरी विश्व बिरादरी कि 12% में एक को कट्ठा जमीन कम नहीं होगा, हम एक को रॉकेट वॉकेट नहीं दागेंगे, शांति से रह जाओ भाई, इसी में भलाई है। अब रही बात भारत की, भारत किसका साथ देगा, इजराइल का कि फिलिस्तीन का। देखो ऐसे कहने के लिए तो फिलिस्तीन से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करके, हम लोग शुरू से फिलिस्तीन का ही साथ दिए और अभी भी वहीं देते हैं इनडायरेक्टली करके, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे तो अरब देश हमारे साथ खड़े रहेंगे। जैसे अभी देखिए वो लोग ऑक्सीजन टैंक का सप्लाई किए, पेट्रोलियम का सप्लाई वहीं से आता है, क्योंकि हमारे पास वो पास पड़ता है, वहां से पेट्रोलियम सस्ता पड़ेगा। और आपको भी पता है कि गल्फ कंट्री के अलावा अगर कहीं से पेट्रोलियम लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा, और भारत में पेट्रोल महंगा हो रहा है। दूसरा कि भारत में लाखों लोग अरब देशों में काम करते हैं, तो हमें